からまず。
हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? कैन एनीवन हेलो जस्ट मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके, विल बी स्टार्टिंग शॉर्टली। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन इन। विल जस्ट स्टार्ट इन अ मोमेंट। हेलो एवरीवन, कैन जस्ट एनीवन टेल मी दैट एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके, सो स्टार्ट। हेलो, यस यस यस। ओके, एवरीवन काइंडली कीप देयर माइक्स ऑफ। सभी अपने माइक्स ऑफ रखना बीच में। इफ कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और यू कैन जस्ट टर्न ऑफ योर माइक्स एंड आस्क व्हाट एवर योर क्वेरी इज। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वेबिनार। माइसेल्फ आस्था जैन एंड आई एम अ सिक्योरिटी एनालिस्ट एट क्रॉस सिक्योरिटीज। आई हैव कंप्लीटेड माई सी एच सर्टिफिकेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आई एम परसुइंग माई बी टेक फ्रॉम आई टी। आई एम रिसेंटली इन माई थर्ड ईयर। ओके, so let's just start. I'm sharing my screen. One second. हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो एवरीवन, वन सेकंड. हेलो okay, hello everyone, myself Sasjan and I'm a certified ethical hacker. Okay, I'm a security analyst in Cross Securities. I'll be taking your today's webinar, so let's just get started. Ma'am, will you give your background, educational background? Okay, I'm currently pursuing my BTech. I'm in third year. I'm pursuing BTech from in IT, information technology. सो स्टार्टिंग विद आवर टुडेज वेबिनार, आज का टॉपिक रहेगा हमारा साइबर सिक्योरिटी ओवरव्यू, कैसे होती है एंड क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं. साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी, दैट इज़ कि सबसे ज़्यादा जरूरी इज लॉजिक्स, कि हम कितने अच्छे से लॉजिक्स पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, देन इज आवर नॉलेज एंड कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए कि आप जब भी कोई काम करते हैं, नॉट ओनली कि साइबर सिक्योरिटी में कमिटमेंट की ज़रूरत है, बट हाँ कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपके कमिटमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी सोशल मीडिया हैकिंग से बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड है, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है और हम यहाँ पर वो चीज़ें कवर नहीं करते हैं, वी डोंट डू दैट. ओके, सबसे मेन जब भी हम साइबर सिक्योरिटी में आते हैं तो इस की कोड ऑफ एथिक्स क्या होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनका क्रूशियल डेटा. अगर हम किसी की भी परमिशन के बिना उनका डेटा एक्सेस करते हैं, बी कि कोई हमारा दोस्त है हमने उसका किया या फिर कंपनी के लिए किया, तो वो सब क्राइम के अंडर आता है एंड उसके लिए वी हैव टू पे द पेनल्टीज या फिर कोई लीगल एक्शंस उसके अगेंस्ट हो सकते हैं. तो किसी का भी पर्सनल डेटा हम खुद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है तो वो हमारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं. वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, उनकी पर्सनल डिटेल्स या हमारी, लेकिन अगर डेटा कंपनी का है तो हम उसे बिना पूछे एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हम अपने डिवाइसेस कैसे सिक्योर कर सकते हैं, डिवाइसेस, सिस्टम्स, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह हम अपने इन सब चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं. कोई भी डिजिटली कनेक्टेड चीज़ के बारे में, की सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर साइबर सिक्योरिटीज. एथिकल हैकिंग. सो सबसे मेन चीज़ कि एथिकल हैकिंग क्या होता है और एथिकल हैकर का काम क्या होता है. एथिकल हैकिंग इज बेसिकली हैकिंग डिवाइसेस बट एथिकली, उनकी परमिशन लेके जब हम उनके सिस्टम में हैक करते हैं, दैट इज योर एथिकल हैकिंग. एवरीथिंग डन विद द परमिशन ओनली, बिना परमिशन के कोई काम नहीं करना होता. एथिकल हैकर क्या करता है, एथिकल जैसे कोई भी अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई सिस्टम है, उसको अगर हम हैक कर पा रहे हैं, उसके अंदर कोई डिटेल्स हैं, तो उसको करने के लिए हम पहले परमिशन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. वो हमें अलाउ करते हैं विद लीगल लिमिट्स, हमें अलाउ करते हैं कि आप हमारे सिस्टम को आगे हैक करो और अगर उसमें कोई कमी है तो हमें बताइए, सो दैट हम उसको ठीक कर सकें. और कोई अगर गलत इंटेंशंस के साथ हमारे सिस्टम में हैक करने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हों. ये काम होता है एथिकल हैकर का, किसी अटैक को होने से पहले उसको प्रिडिक्ट कर लेना कि ऐसा हो सकता है एंड उसको रिपोर्ट करना और उसको ठीक कर लेना, सो दैट आगे कोई और अटैक ना हो पाए. ये काम होता है एथिकल हैकर का. ठीक है, हम सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, बीइंग एन एथिकल हैकर हम कैसे सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्या हम फीचर्स देख के चलते हैं कि क्या. ओके मैम, योर वॉइस इज लैगिंग. माय वॉइस इज लैगिंग. इज एनीवन एल्स फेसिंग द सेम इशू? No, ma'am, it's fine, ma'am. No, ma'am, it's fine. Yes, ma'am.
You kindly check your connections again. All right then. Coming to CI-TRID. CI-TRID एक हमने मॉडल सेटअप किया कि हाँ क्या तीन चीजें होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर हो सकता है. इन जब हम सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं किसी चीज़ की, जब हम देखते हैं कि हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो हम इन तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं. दैट इज़ योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझते हैं पहले कि होता क्या है. कमिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ बेसिकली कि जिसका डेटा है बस वही उसको एक्सेस कर सके. ऑथेंटिकेशन बेसिकली, जब आप लॉग इन करते हो अपनी किसी भी साइट में, लेट्स से आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो, तो वहाँ पे आप अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स डालते हो, दिस इज योर यूजर आईडी एंड द पासवर्ड. वो क्या होता है, आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है कि आप बता रहे हो कि मेरा डेटा है, मतलब मैं इसका ओनर, मतलब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है कि आप ही का डेटा है और आप ही उसको देख सकते हो क्योंकि उसकी यूजर और पासवर्ड सिर्फ आपके पास है. वो हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी. कमिंग टू द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी इज बेसिकली कि कोई भी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए आपके डेटा के साथ. लेट सपोज आपका कोई भी डेटा है तो वो वहां पे उसी फॉर्मेट में सेंड होना चाहिए. लेट सपोज आप और आपका दोस्त कोई बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, अगर आपने हेलो भेजा है तो आपके फ्रेंड को रिसीव भी हेलो होना चाहिए, उसको कुछ और चीज़ रिसीव नहीं होनी चाहिए. योर फॉर्मेट शुड रिमेन सेम, डेटा आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए आपके डेटा के साथ. ये ध्यान रखता है हमारा इंटीग्रेटिंग. नेक्स्ट कम्स योर अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी में क्या होता है, अवेलेबिलिटी इज बेसिकली कि डेटा वहाँ पे एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए ना. क्यों, लेट सपोज गूगल ड्राइव्स हैं आपकी, गूगल ड्राइव्स पे आप डेटा स्टोर करते हो सो दैट आप उसको बाद में देख सकते हो या यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. क्यों एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेटा अवेलेबल है. अगर गूगल ड्राइव पर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो कोई गूगल ड्राइव्स क्यों यूज़ करेगा, राइट. तो वहाँ पे हो गया आपका अवेलेबिलिटी. These are your three major terms, confidentiality, integrity and availability. Coming to the next point, types of hacker. We majorly have three types of hacker, that's a black hat, grey hat and white hat. You might be familiar with these terms, black, white and grey. Black hat hackers are your malicious hackers, okay. Then we have white hat hackers. Malicious hacker, they have wrong intentions for the wrong purpose they do hacking and all. So those are the black hat hackers. Then comes your white hat hackers. White hat hackers are the ethical hackers who performs the task ethically within the legal permissions. Next comes your gray hat hackers. Gray hat hackers are basically people who perform the penetration testing part ethically, but sometimes due to their personal interest and all, they perform the black hat part. So they are a mixture of white and the black. White and the black are your gray hat hackers. Coming to the types of attacks, we can classify attacks into two major categories. That is your active attacks and the passive attacks. Difference kya hota hai dono mein? एक्टिव पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आप बस देखते हो कि डेटा है क्या एक्चुअली, आप बस देखना चाहते हो, आप ज़्यादा डीप इन नहीं जाते हो उस अटैक में, बस ऊपर से देख लिया कि ओके ये डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट है किसी का और अनऑथराइज, मतलब जिस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो बट स्टिल आप वो डेटा देखते हो, दैट इज़ योर पैसिव अटैक्स. एक्टिव में क्या होता है, अगर आप डेटा देख पा रहे हो आप उसको मॉडिफाई भी कर देते हो. लेट सपोज दो टू पीपल वर हैविंग कन्वर्जेशन, दो बंदे बात कर रहे हैं, आपने उनका डेटा इंटरसेप्ट किया एंड आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ एक्टिव. लेट सपोज MITM, दैट इज योर मैन इन द मिडल अटैक्स, दैट्स योर एक्टिव पार्ट. ओके, सो एक और चीज़ होती है, जैसे अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, पैसिव में क्या होता है आप बस डेटा मॉनिटर करते हो, लेकिन एक्टिव में क्या करते हो आप उस डेटा को मॉडिफाई भी कर पाते हो. अगर आप डेटा मॉडिफाई करो, सिस्टम में कुछ चेंजेस करो, तो वो क्या करते हैं इफेक्ट होता है सिस्टम पे, आप देख पा रहे हो, आपको जो विक्टिम होगा विक्टिम को पता चल जाएगा कि उसके सिस्टम में कुछ मिसहैपनिंग हो रही है. वहीं पैसिव के केस में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं सिस्टम में, तो विक्टिम को पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअली उसके सिस्टम में कुछ हुआ है. नेक्स्ट इज पैसिव में अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हो कि समथिंग इज हैपनिंग और नॉट.
और अगर एक्टिव में चेंजेस हो रहा है, सिस्टम में भी स्लो हो रहा है या फिर किसी उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके सिस्टम का, तो वो डिटेक्टेबल हो जाते हैं। अभी हमने तीन चीज़ें देखी थी, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे वही तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक्टिव में क्या होता है, आपकी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, बिकॉज इंटीग्रिटी से इसकी डेटा में चेंजेस नहीं होने चाहिए एंड अवेलेबिलिटी से इसकी डेटा अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर अटैकर उन दोनों चीज़ों को मॉडिफाई कर पा रहा है, तो वहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सेम ऑन अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस ले पा रहा है अटैकर वहाँ पे। सो दैट्स ऑन एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। यस जैसे कि एक्टिव एक्टिव अटैक में मैन इन द मिडल अटैक हुआ, तो पैसिव अटैक में कोई एग्जांपल? पैसिव में स्निफिंग हो गया आपका, आप नेटवर्क स्निफिंग कर रहे हो, पुट फॉरवर्डिंग्स। ओके, कमिंग टू योर एथिकल हैकिंग 5 फेजेस। एक अटैकर अटैक कैसे करता है, वो क्या सोच के अटैक करता है, क्या क्या प्रिपरेशन उसके लिए करता है, दैट्स अ 5 फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि वो क्या अटैकर क्या सोचता है, क्या सोच के अटैक परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आती है। स्टार्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रिकॉनिसेंस से। वो सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि एक्चुअली उसको अटैक कहाँ करना है, क्या उसका मेन टारगेट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। इंफॉर्मेशन लेगा वो कि ओके ये टारगेट है, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन वो अपने टारगेट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के बारे में बात करें, आईपी एड्रेस उसका किस तरह डिज़ाइन की गई है वो वेबसाइट, उसके बैकएंड में क्या चीज़ें रन कर रही हैं, वर्डप्रेस पे बनाई है, नॉर्मली बनाई है, या फिर उसमें उन्होंने कुछ बैकएंड में जावा यूज जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, पीएचपी के कोड्स यूज़ किए हैं, क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करके वो वेबसाइट उसने बनाई है, डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन कब रजिस्टर हुई थी, डोमेन नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन, द ओपन गाइड्स आदि है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, एक्स वाई जेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है वो सारी वो गैदर करने की कोशिश करता है अपने फर्स्ट फेज में। बिकॉज अगर हम एक चोर का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है, अगर चोर चोरी करने जाता है तो वो पहले अपने टारगेट के घर में वो भी इंफॉर्मेशन निकाल के जाता है कि घर कब खाली होता है, लोग कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या बेस्ट टाइम होगा उसके पास जाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आती हैं। क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, इज हु इज शोडान, गूगल, वायशार्क, दीज आर नॉर्मल टूल्स एंड टेक्निक्स आई हैव इंक्लूडेड, बाकी कुछ भी हो सकता है ओपन सोर्स में। गूगल हमारा सबसे मेजर सोर्स, वी कैन से ओपन सोर्स के लिए, पैसिव अटैक्स के लिए, जहाँ से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने टारगेट के बारे में। सिमिलरली शोडान इज ऑल्सो अ सर्च इंजिन जो आईपी एक्टिव आईपी डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मुझे। हु इज डोमेन की इन्फो डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। वायरशार्क इज बेसिकली फॉर द स्निफिंग पार्ट, बट हाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम उससे भी कर सकते हैं अगर इंटरनल नेटवर्क पर मेरा कोई टारगेट है। स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अगर चोर पे चलना है तो चोर भी क्या करता है, उसको अपना टारगेट पता है तो वो देखेगा कि वो उस घर के अंदर एंट्री कैसे ले सकता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कि वो एंट्री कैसे लेगा, मे बी थ्रू द मेन गेट या फिर बैक गेट के थ्रू लेगा, जो भी उसको रास्ता, क्या रास्ता वो फॉलो करेगा। हेलो यस हेलो हेलो। हेलो, हाँ मैम, ये बताइए, अगर मान ली इसको प्रैक्टिकल करना चाहे तो किस पे करेंगे? हेलो, क्या, हेलो, जैसे मान लीजिए स्कैनिंग करना है तो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इसका, स्कैनिंग का? हेलो प्रैक्टिकल्स के लिए आप आइए यहाँ पे, इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए एक बार। मैम हम बहुत दूर के हैं ना, आपका दिल्ली दराई में है, ऑनलाइन हमारा भी यूपी लीजिए। में है। ठीक है।
स्कैनिंग पर आते हैं, पोर्ट स्कैनिंग की बात करते हैं, तो हम पाथ देखते हैं कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग्स में नेटवर्क ओपन पोर्ट्स चेक करेंगे कि कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं हमारे पास, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। पोर्ट्स हो गया, नेटवर्क स्कैनिंग हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कि क्या वल्नरेबिलिटी पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं उस सिस्टम के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके थ्रू हम उस सिस्टम को एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, टूल्स एंड टेक्निक्स एनमैप के थ्रू हम कर सकते हैं। वी हैव मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट इज अ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम सारी चीजें एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ। एचपिंग इज ऑल्सो अ नेटवर्क स्कैनर, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। गेनिंग एक्सेस, जब हम ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं उसके बाद क्या कंट्रोल कर, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उस सिस्टम को, वो सारी चीजें। हैश कैट पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, मेटास्प्लॉइट अगेन वी हैव वर्ब्स टू टेलीग्राम वेबसाइट्स की बात करें उसके थ्रू हम सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस एंड योर प्रिविलेज एस्केलेशंस, मेंटेनिंग एक्सेस इज बेसिकली मेंटेनिंग एक्सेस में जैसे मेरे पास सिस्टम का एक्सेस आ गया, उसका कंट्रोल आ गया, वहाँ पे मैं अपनी प्रिविलेजेस को कैसे एक्सलेट कर सकती हूँ, कैसे उसको इनहांस कर सकती हूँ, और अगर मेरे को दोबारा कभी उस सिस्टम के अंदर एंटर करना हो तो क्या इजी वे रह सकता है मेरे पास, मेरे को पूरा स्टेप फॉलो आउट ना करना पड़े, उस केस के लिए वी यूज योर प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन कैन बी डन थ्रू योर कमांड एंड कंट्रोल, मालवेयर या बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं हम वहाँ पे। बैकडोर कैसे क्रिएट होगा, बैकडोर में बेसिकली कोई हमने एक यूजर क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू हम बाद में एंट्री कर सकते हैं, कोई मालवेयर स्क्रिप्ट मैंने वहां रन करवा दिया, कोई कमांड एग्जीक्यूट करके अपने यूजर प्रिविलेजेस इनहांस कर दिया, वो सारी चीजें। क्लियरिंग ट्रैक्स, सबसे बढ़िया चीज ये है कि कोई भी अगर हम कुछ भी ऐसा टास्क करते हैं तो उसके बाद अपनी अपनी कोई भी निशानी वहां नहीं छोड़नी है, सब चीजें वहां से क्लियर करके, जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग एंड जस्ट गो आउट, सो दैट अगर कोई बात में हमें कैप्चर करने की कोशिश करता है कि किसी ने कुछ अटैक परफॉर्म किया है तो वो ऐसा ना कर पाए। टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑडिट पोल, इवेंट व्यूअर, टर्मिनल हिस्ट्री एंड अपलोडेड फाइल्स। इवेंट व्यूअर एंड ऑडिट पोल्स में हमारी विंडोज की अगर मैं बात करूं तो जो भी एक्टिविटीज करते हैं हम, कुछ भी ओपन करते हैं, उन सब की एक 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 लॉग फाइल क्रिएट होती है, उसमें बेसिकली पता चलता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। यप मैम, यू मेंशन्ड दैट क्लियरिंग ट्रैक्स शुड बी डन, बट हाउ डू वी डू इट यूजिंग दीज टेक्निक्स, बिकॉज मैं भी सिक्योरिटी में वर्क करता हूँ एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी फेस इन सिक्योरिटी इज SIEM and the source systems, क्योंकि वो लोग directly उसको मतलब trace out करके निकाल लेते, तो how do we actually, you know, privilege escalate our way through clearing out those tracks, because that are the main tracks that can be traced to us. Logs तो सभी clear कर लेंगे है ना, क्योंकि वो तो हम लोग का specified designation होता है var logs में, वो yes हो जाता है, पर SIEM system और source system तो directly work कर लेता है। So, your SIEM solutions are designed actually according to, if I'll talk about your Splunk, right? So, these tools are designed like that to prevent these tasks only so that they can just save all the logs. You can clear the logs from your systems, but you cannot clear the logs on the service, not the server side, but the SIEM solutions where they have installed the whole SIEM solutions. SIEM solutions is basically a security method, okay? Either you just there's one way to that. Either you just take over that SIEM solutions only. Then you have to clear your tracks. If you clear your tracks from the system, but obviously your logs will be stored on the SIEM solutions. So that they see it's actually your sorry. It's actually a security way, right? So to bypass that, you need to go into that and then there you have to clear the data stored in the SIEMs. That is the only possible way. Ma'am, SIEM systems are usually stored behind a DMZ, that is demilitarized zones. So it doesn't have access to the network. So if you're pen testing a network, let's say internally or externally, the problem we actually face is कि घुस भी गए अंदर तो वो तो बिहाइंड डीएमसी रहेगा, तो वो तो एक्सेस में नहीं है, तो हाउ डू वी एक्चुअली यू नो एस्केलेट आर वे थ्रू बाईपासिंग दैट डीएमसी, क्योंकि वो तो डायरेक्टली अगर डीमिलिटराइज जोन है तो वो तो ऑब्वियस है कि वहां से हम लोग घुस नहीं पाएंगे, तो दैट इज माय क्वेश्चन। यू कैन डू वन थिंग इन दैट केस,
जब आप अटैक परफॉर्म करते हो तो उस टाइम ध्यान रखो कि ओके आपको पहले से पता होगा वहां पे कि ओके दे हैव द सेम सॉल्यूशंस, राइट। तो उस केस में जब आप अटैक परफॉर्म करोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि आपके जो लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं वो इस तरह, तो आप इंटरनल नेटवर्क में जाके वो परफॉर्म नहीं करोगे। मैम देन हाउ विल यू गेन एक्सेस टू द सिस्टम, क्योंकि आप जब भी एक्सेस ले रहे थ्रू SSH अ लॉग विल बी क्रिएटेड, यू कैन नॉट बाईपास दैट, दैट इज इनहेरिटली बिल्ट इनटू द द सिस्टम। लॉग विल बी क्रिएटेड फॉर श्योर, बट जो सिम जोन होता है, जो सिम सेटअप होता है वो आप खुद सेटअप करते हो, जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। आउटसाइड सिस्टम्स आर नॉट कनेक्टेड विद द सिम्स, राइट। यस सो इफ यू परफॉर्म अटैक फ्रॉम आउटसाइड सिस्टम इंस्टेड, नो नीड टू क्लियर द लॉग्स। Yes, but If how is the it working? SSH, yeah, if the SSH logs are also ready, if you are taking the access through SSH, right? But then you can just be sure, right, कि logs अगर create भी हो रहे हैं, आपका IP जाता है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ ऐसा information नहीं जा रही, और अगर internal IP भी चली जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप बाहर आओगे, आपका IP change हो जाएगा। No, ma'am, that's not how. Okay, anyway, it's okay, ma'am. Thank you. Okay, moving on. Job causes of security breaches. Now, phishing, hacking, malware, individual's mistake, external theft, vendor, internal theft, and your loss of improper disposal. Common attacks के बारे में देखते हैं। We have DOS, DDoS, man in the middle attacks, malwares, phishing, and SQL injections. इनके बारे में डेप्थ में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं, एक्चुअली कैसे वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट इज योर डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या करता है, लेट से कोई भी वेब सर्वर है, हम उस पर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, और जो एक्चुअली उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इज इट बेसिकली वर्क्स आउट लाइक, अगर कोई बॉक्स है आपके पास तो उसके अंदर लिमिट होती है कि आप कितना सामान डाल सकते हो। अगर आप उसको ओवरलोड करोगे तो उसके अंदर सामान नहीं आएगा। सेम अगर हम वेब सर्वर को कंसिडर करते हैं, वेब सर्वर की भी अपने लिमिट होती है कि वो कितने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है एंड उसके बाद कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। देन वी हैव यूजर्स। अगर कोई यूजर उसमें एक्सेस करने की कोशिश करता है, कोई और उसमें ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो वो एक्सेस करना बंद कर देता है एंड उसका मतलब वेब पेज दिखाना बंद कर देगा। उसके बाद वो आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं आप वो बंद कर सकते हो। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, सेम सिनेरियो है, वेब सर्वर या कोई भी सिस्टम है, हम उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ डाउन कर सकते हैं। बट डीडॉस के केस में क्या होता है, डीडॉस के केस में अटैकर के पास ऑलरेडी एक्सेस होता है कुछ सिस्टम्स का, या अगर इंटरनल नेटवर्क पर तो ब्रॉडकास्ट करके भी करवा सकता है वो। एंड उसके बाद जब आपके बेसिकली एक से ज्यादा सिस्टम से जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है एक टाइम पर, तो वो आपका केस हो जाता है डीडॉस का। अगर आप एग्जामिनेशंस के जब रिजल्ट्स आते हैं, लेट से 12th बोर्ड्स एंड ऑल, तो क्या होता है साइट पर हम एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अनइंटेंशनल डीडॉस हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मैन इन द मिडल अटैक्स। मैन इन द हेलो मिडल, हेलो। मैम, बिफोर दिस कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्रीवियस वन? दिस वन, यस मैम। ओके, डीडॉस इज सिमिलर टू योर डॉस अटैक्स। डॉस के सिमिलर ही होता है। डॉस में क्या होता है, अटैकर अपनी मशीन से वेब सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे वेब सर्वर डाउन हो जाता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होता है, अटैकर वो उसके पास ऑलरेडी एक्सेस होता है कुछ सिस्टम्स का, या फिर वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी ये चीज करवा सकता है। वो मतलब जब बहुत सारे सिस्टम्स एक ही सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो हमारा केस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज का। यहाँ पर जैसे जब हम जब 12th बोर्ड या 10th बोर्ड के एग्जाम्स रिजल्ट आते हैं, तब भी क्या होता है कि साइट्स डाउन हो जाती हैं, हम वहां पर रिजल्ट नहीं चेक कर पाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उस पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर मैन इन द मिडल अटैक्स। मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या होता है, द
तो नॉर्मल कनेक्शन है कि क्लाइंट सर्वर से बात करें, सर्वर उसको रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मान इन द मिडल अटैक्स की, मान इन द मिडल अटैक के केस में क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, एक मिडल मैन होता है बीच में जिनके थ्रू कनेक्शन सेटअप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो मिडल मैन के पास जाएगी, और मिडल मैन के बाद वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर से देन रिस्पॉन्स आएगा। देन अब इट्स अप टू द मिडल मैन कि वो कुछ चेंजेस करता है उसमें, मॉडिफाई कर देता है डेटा को, एंड क्या डेटा वो एक्चुअली सेंड कर रहा है अपने क्लाइंट को। ओके, नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग इज अ टर्म बेसिकली, फिशिंग इज ऑल्सो टेक्निक। बेसिकली टेक्निक आती है आपकी ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग इज बेसिकली कि आप अपने टारगेट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो कि वो आपकी बात मान लो और आप जो कह रहे हो उस पर एग्री करे। दैट्स वट सोशल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट दैट वट इज फिशिंग एंड फिशिंग कैसे होती है। फिशिंग में बेसिकली अटैकर क्या करता है, अटैकर एक क्लोन्ड पेज बनाता है, क्लोन्ड वेबसाइट बनाता है। क्लोन्ड वेबसाइट क्या होती है, क्लोन्ड वेबसाइट इज बेसिकली सिमिलर लुकिंग पेज होता है कि हमारे पास कोई ओरिजिनल साइट है, हम उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं एंड उस डुप्लीकेट को हम होस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका एक लिंक जनरेट होता है, लिंक जनरेट हम अपने विक्टिम को भेज देते हैं, बीट थ्रू मेल से जैसे मर्जी हम अपने विक्टिम को वो मेल भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फिशिंग के बाद जब वो विक्टिम उस लिंक को ओपन करता है, उसको लगता है कि ओरिजिनल साइट है, वो ओरिजिनल साइट समझ के वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता है। जब अपने क्रेडेंशियल्स डालता है वहाँ पे, तो वो क्रेडेंशियल्स एक्चुअल साइट पर ना जाके वो अटैकर के पास आ जाते हैं सारे क्रेडेंशियल्स। ये होता है हमारा फिशिंग कि हमने अपने टारगेट को मैनिपुलेट किया। अब हम जब उसको लिंक सेंड करते हैं, अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस लिंक में उसको, उस मेल में हम उसको क्या बोल के उस लिंक पर क्लिक कर पाते हैं। वो मेल डिजाइनिंग मेरी हो गई सोशल इंजीनियरिंग की, कैसे मैं अपनी बात प्रेजेंट कर सकती हूँ। कमिंग टू द एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शंस में बेसिकली डेटाबेस होता है, एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज, योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज करते हैं। जब हम जब डेटाबेस मेरा क्रिएट एसक्यूएल की कमांड्स में, तो एसक्यूएल का कोड इंजेक्ट करके हम उस डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दैट्स हाउ माय एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स एंड क्या क्या चीज़ें मैं उसमें एक्चुअली कर सकती हूँ। कि मतलब मैं अगर मुझे अगर डेटा देखना है वहाँ पे डेटाबेस में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें अगर मुझे देखनी है, तो मैं यहाँ से एसक्यूएल इंजेक्शंस की मदद से देख सकती हूँ। एसक्यूएल इंजेक्ट कोड करके देखेंगे एक बार। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। कमिंग बैक टू द मालवेयर्स। मालवेयर्स क्या होता है, मालवेयर्स आर द इंटेंशनली मेड मलेशियस सॉफ्टवेयर्स। मलेशियस और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है हमारा मालवेयर्स। मालवेयर्स में हम क्या करते हैं, लेट सपोज कोई ऐसे स्क्रिप्ट कोड सॉफ्टवेयर बनाना जिससे कोई सिस्टम को अगर हम हार्म पहुंचा सकते हैं, सिस्टम, क्लाइंट, कंप्यूटर, नेटवर्क, किसी भी चीज़ को, वो होता है हमारा एक मालवेयर। मालवेयर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बीट अ वायरस, एडवेयर, रूट किट, स्पायवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, रिमोट एक्सेस, वॉर्म्स, की लॉगर्स, राइट। सो इन केस ऑफ द वायरसेस, वायरसेस में क्या होता है, रेप्लिकेट करते हैं वायरसेस खुद को अपने इंटरनल नेटवर्क पे, अपने इंटरनल सिस्टम में, कि वो खुद से रेप्लिकेट कर अपने सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी स्लो कर देते हैं, वायरस क्रिएट करते हैं, सो दैट कि जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में वो हार्म पहुँचा रहा है। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म्स आर बेसिकली जो पूरे नेटवर्क पे अगर रेप्लिकेट करते हैं, मान लो एक नेटवर्क में 5 पीसीज कनेक्टेड हैं, तो अगर एक में भी वो वॉर्म आ गया तो वो 5 को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज जो एडवर्स। एडवर्स में क्या होता है, एडवर्स आर बेसिकली जब आप कोई साइट विजिट करते हो, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन साइट्स पे, तो वो एडवर्टीजमेंट्स इस टाइप से क्रिएट करते हैं कि कोई यूजर उस पर क्लिक करते या फिर कोई यूजर उसको ओपन करे, तो जब आप उस एड को ओपन करते हो तो वो आपके सिस्टम को वो भी हार्म कर सकते हैं। लेट सपोज सिस्टम को किसी भी वे में हार्म कर सकते हैं, उन्होंने कोई
अब एक चीज और है, मान लो इस क्या करते हैं, एक एक सिंगल वर्क नहीं करते इनके साथ, मतलब कुछ ना कुछ कंबाइन भी वर्क कर सकते हैं, जैसे वायरस में हमने रैंसमवेयर लगाया है, की लॉगर लगाया है, कॉम्बिनेशन में भी वर्क कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिंगल सिंगल वर्क कर रहे हैं। तो एडवर्क में बैकएंड में जो स्क्रिप्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट किया है। नेक्स्ट इज योर रूट किट। रूट किट क्या होता है, जब पूरा कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास स्क्रिप्ट का तो हम उसको रूट किट बोल देते हैं। स्पाईवेयर्स क्या करते हैं, स्पाईवेयर्स बेसिकली स्पाई करने के लिए यूज होता है, जब हमें सिर्फ डेटा देखना होता है कि सिस्टम में देखना है कि क्या चल रहा है, कौन क्या ओपन कर रहा है, क्या टाइप कर रहा है, स्पाई करना बेसिकली, दैट्स योर स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स का ही पार्ट होता है हमारे की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या करते हैं, की लॉगर्स बेसिकली चेकआउट करते हैं की लॉगर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन कि हम क्या कीज प्रेस कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली अटैकर के पास जाती है। ठीक है, देन कम्स योर रैंसम वेयर्स। रैंसम वेयर्स क्या होता है, रैंसम वेयर्स इज बेसिकली जब किसी अटैक के बदले रैंसम मांगी जाती है, दैट्स योर रैंसम वेयर्स। रैंसम वेयर्स में बेसिकली फिरौती मांगी जाती है अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। एक इनक्रिप्शन इज बेसिकली आपका ही डेटा एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में जब हम चेंज कर सकते हैं कि कोई उसको रीड ना कर पाए, दैट इज इनक्रिप्शन। तो जब आप अपना डेटा रीड नहीं कर पा रहे तो वो आपका डेटा किसी यूज का नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करता है अटैकर, आपसे बिटकॉइंस में भी डिमांड करता है कि यू वांट बिटकॉइंस एंड ऑल। तो बिटकॉइंस में पैसा डिमांड करता है आपसे, बिटकॉइंस में क्यों, क्योंकि बिटकॉइंस में आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, इस वजह से वो आपसे बिटकॉइंस में फिरौती मांग लेता है कि ओके। फिर वो आपको डिक्रिप्शन की देता है जिसकी मदद से आप अनरीडेबल डेटा को दोबारा से रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट काम से ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस इज बेसिकली किसी ओरिजिनल चीज के पीछे कुछ छुपा कर भेजना, कुछ इलीगल चीज या फिर कुछ नॉन लेजिटिमेट चीज आप जब छुपा के भेजते हो, दैट इज योर ट्रोजन हॉर्सेस। बाइंड करके भेजते हो, बाहर से आप दिखाओगे कि ये सही चीज है लेकिन उसके पीछे आप कुछ गलत चीज छुपा के भेज देते हो, दोज आर योर ट्रोजन हॉर्सेस। इसमें क्या होता है, अगर अटैक की बात करें तो ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ, एक ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ एक आप अपना गलत कोड छुपा के भेज, एक ओरिजिनल एप्लीकेशन अपना गलत कोड छुपा के भेज देते हो, दैट इज योर ट्रोजन हॉर्सेस। रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस इज बेसिकली कि आप कहीं और, हेलो ओके, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या होता है, जो आप रिमोटली किसी चीज को एक्सेस करते हैं, लेट्स सपोज कोई इंडिया में एंड कोई फॉरेन है, बेसिकली जो अगर दो लोकेशंस पर हो आप, डिफरेंट नेटवर्क्स में भी हो और अगर इंटरनल में भी हो, तो आप कैसे किसी और का सिस्टम एक्सेस कर लेते हो एक स्क्रिप्ट की मदद से, दैट इज योर रिमोट एक्सेस के मार्क्स। नेक्स्ट काम सम सेफ्टी टिप्स आउट है। सेफ्टी टिप्स में भी आप कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, इससे रैंसम वेयर पे इफेक्ट पड़ता है, सॉरी कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, कोई भी सिक्योरिटी है तो कोई भी इशू है सिक्योरिटी अगर पैच होती है तो उन केस में अपना सिस्टम जो है हमें अप टू डेट रखना चाहिए। बैकअप योर डेटा रेगुलरली, बैकअप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप होगा और अगर कोई आपका डेटा इनक्रिप्ट भी कर देता है, अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, तो आपको उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप फॉर्मेट करके दोबारा से अपना बैकअप क्रिएट करके आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो अपना, और उस केस में आपको रैंसम नहीं देना पड़ेगा। इन जनरल केसेस भी बोला जाता है कि बैकअप रखना चाहिए, अच्छा रहता है, तो जस्ट कीप आउट द बैकअप्स। डोंट यूज पब्लिक वाईफाइज, डोंट यूज पब्लिक वाईफाइज बिकॉज अगर सेम नेटवर्क में अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज करो तो बहुत सारे लोग वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर उसी नेटवर्क में कोई अटैकर है तो आपके सिस्टम को एक्चुअली हार्म पहुंचा सकता है। यूज एंटीवायरस प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल्स। एंटीवायरस प्रोटेक्शन फायरवॉल्स यूज कर सकते हो, फायरवॉल्स आर अननेसेसरी वन, बट एंटीवायरस के केस में जो हमारे विंडोज का डिफेंडर है वो भी बहुत पावरफुल है, उससे भी हम एक्चुअली That's enough for the systems. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, तो वहाँ पे फिर पूरा सेटअप होता है, उनके फायरवॉल्स अलग होते हैं, एंड फिर वहाँ पे हम पूरी आईटी टीम उसको सिक्योर करती है विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्किंग सिक्योरिटीज। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
तो जेंटल केसेस में बोला जाता है कि एटलीस्ट हैव सम गुड पासवर्ड्स एंड ऑल. नेक्स्ट कम विजिट HTTPS साइट्स ओनली. डोंट विजिट HTTP साइट्स. के HTTPS साइट्स जो होती है वो हमारी सिक्योर्ड साइट्स होती है. क्या सिक्योरिटी होती है कि जो भी डेटा एक्चुअली नेटवर्क पर ट्रैवल करता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है. वहीं HTTP का जो डेटा होता है वो नॉर्मल फॉर्मेट में होता है. अवॉइड इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम अननोन सोर्सेज. बिकॉज हम अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे जो मतलब उस एप्लीकेशन के पीछे कुछ माइंडेड डेटा भी हो सकता है, कुछ हिडन डेटा भी हो सकता है. इट्स जस्ट बेटर डोंट फॉल फॉर द मैसेजेस एंड ईमेल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज. बिकॉज कोई फिशिंग मेल्स भी हो सकते हैं तो उनसे बचने के लिए जस्ट उनको ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर कुछ ईमेल्स आती हैं तो उनको अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए पहले. देन ओनली वी शुड नीड टू मूव ऑन. यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशंस केयरफुली. लेट्स जस्ट सी आउट कि HTTPS साइट्स क्यों वर्क करते नहीं करने चाहिए. HTTP साइट्स मतलब HTTP साइट्स पे डेटा प्रोटेक्टेड क्यों नहीं होते हैं तो एक बार देखते हैं इसको. जस्ट अ सेकंड. लेट सपोज मेरे पास ये साइट है और मुझे पता चल रहा है कि ये HTTP की साइट है बिकॉज यहाँ पे ये अनसिक्योर्ड लिखा रहा है. एंड अगर इसके URL को हम कॉपी करते हैं एंड अगर नोटपैड में पेस्ट करते हैं तो यहाँ क्या लिखा रहा है HTTP. ठीक है तो ये एक HTTP साइट है. इसको क्लोज करते हैं. इसका फायदा क्या होता है इसका नुकसान क्या होता है एक्चुअली. Let's just open this and start intercepting the data. ठीक है यहाँ पे कैप्चर स्टार्ट किया एंड यहाँ पे कोई भी यूजर नेम लेते हैं. लेट्स सपोज हेलो एंड पासवर्ड में भी हेलो. इसको लॉगिन किया. ठीक है और अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करती हूँ इस डेटा को. इसको ओपन कर लेते हैं. इसको स्टॉप किया.
HTTP का डेटा आ गया मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको देख सकती हूँ कि ये मेरे को प्रॉपर फॉर्मेट में इसने दिया है। हेलो हेलो, मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकती हूँ। जो मैंने वहाँ पे आईडी और पासवर्ड अगर कोई डालता है तो नेटवर्क पे मैं उसको एनालाइज करके यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि किसी ने हेलो डाला था यूजर नेम में और पासवर्ड में भी डाला था उसने हेलो। तो दैट्स वाई HTTP की जो साइट्स होती हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, एंड उनसे बचने के लिए हमें क्या हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, HTTPS साइट्स यूज़ करनी चाहिए। HTTPS साइट्स में आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक इनकोडेड फॉर्मेट में एक इनकोडेड वैल्यू मिलेगी जिसको आप रीड नहीं कर सकते हो। ओके एंड द गाय हु आस्क्ड अबाउट द SSH 1, राइट, जो आपके लॉग्स होते हैं वो यहीं पे स्टोर होते हैं, एंड उसमें आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन है आपके पास एंड किस वजह से आप उसको किस लिए वो आपके लिए यूज हो सकती है। जो भी अगर लॉग इन क्रेडेंशियल्स हैं आपके SSH के कनेक्शन हैं उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उसमें, आपको टाइम डेट और किसने कब एक्सेस किया विद द IP एड्रेस जस्ट फॉर द SSH पार्ट, तो उसमें आज सच उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर अनलेस वो एक्टिव है। अगर उस मोमेंट पे एक्टिव है तो ऑब्वियसली यू कैन कैप्चर दैट पर्सन, बट अगर काम अटैक परफॉर्म हो चुका है एंड बाद में अगर आप सेंस कर रहे हो उसमें, तो इन दैट केस देयर इज नो एक्चुअली देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट। मैम, माय क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट दैट, माय क्वेश्चन वाज हाउ डू वी बाईपास इट, बिकॉज़ उससे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि when we are doing a pen test, let's say if you are in a red team, if you have ever been on a red team, you'll understand that when you're doing a pen test, I know. You are given an IP that that is used for the internal purpose only, right? So the main goal of that internal pen test is to demonstrate that your IP is not found on the server. The practical implications of that would be if anyone is trying to, you know, bypass that sign system or the source system, especially the source system in that sense, to wo bypass na kar paaye. In that case, that is the success of the blue team. But as a red team perspective, our deal is to not get caught. Basically secure your SIEM solutions, right? No. That's not the question. The question is all about ki agar hum log access gain kar liye hai, and when we have gained access, jahan pe aapne bola mention ki wahan pe time likha rehta hai, तो दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोच लीजिए अगर 2 बजे कोई सिस्टम एक्सेस कर रहा है, लॉजिकली स्पीकिंग रात के 2 बजे तो सब बंद हो जाएगा ना। बट अगर वो इंटरनल एम्प्लॉय है आपका, एम्प्लॉय ने अगर आपके सिस्टम में आगे किया, तो यू कैन फिगर इट आउट कि हाँ ये एम्प्लॉय 2 बजे वहाँ पे क्या कर रहा था, उसकी शिफ्ट ही नहीं थी वहाँ पे, उसका सिस्टम कैसे एक्टिवेट हुआ। टाइम मैटर्स इन दैट केस, बट अगर यू आर सेइंग दैट इट डज नॉट मैटर बिकॉज़ वो तो फर्क पड़ेगा, बट व्हेन वी आर डूइंग यू नो लाइक आई सेड इट बिकॉज़ अगर आई सेड इट क्लियरली कि अगर एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली पता चलेगा, अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन है तो उस केस में नहीं पता चलेगा। अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन है सो व्हाट विल डू, या फिर उसको पूरा मॉनिटर किया जाए कि कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हुआ है उस टाइम पे, वो चीज फिर मैटर करेगी, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन इन दैट केस। यस, बट हाउ विल यू डू इट, बिकॉज एक्सटर्नल पर्सन जब पेन टेस्ट होता है ना तब एक्सटर्नली टू इंटरनल जाता है ना, तो व्हेन वी हैव गेन्ड ऑलरेडी, कोई अटैक बता के नहीं करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन पे कि हाँ मैं अटैक करने आ रहा हूँ। नहीं, वो तो वो पता कैसे चलेगा कि वो इनसाइडर थ्रेट है कि वो एक्सटर्नली पेन टेस्ट करके घुसा है, बिकॉज लेट्स से यू आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव एक्सेस टू सर्टेन यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक पेन टेस्टर हूँ, मैं एक्सटर्नली पेन टेस्ट करके मैंने आपका अकाउंट को टेक ओवर किया, एंड देन आई एम यूजिंग दैट अकाउंट एट 2 AM इन द मॉर्निंग टू एक्सेस सर्टेन क्रेडेंशियल्स दैट आई शुड नॉट यू नो एक्सेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लॉजिकली स्पीकिंग। तो
इससे इसलिए फर्क पड़ता है कि ये नहीं कि आईपी ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम सोल्यूशन इफेक्टिव है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, सॉक एनालिस्ट का काम ही वही है, पर मेरा मेरा फोकस इस पॉइंट पे है कि इफ दैट एम्प्लॉय इज डूइंग इट, ही विल वी विल नॉट अंडरस्टैंड इफ हिज लॉग इज बीइंग ट्रेस्ड, वी विल नॉट अंडरस्टैंड इफ ही इज अ इनसाइडर थ्रेट और कोई एक्सटर्नली पेन टेस्ट करके घुस है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग का एक साइबर सिक्योरिटी में जैसे आपको पता ही होगा जीरो ट्रस्ट पॉलिसी होता है, ठीक है? तो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, या तो वो अकाउंट को आप सीज कर दीजिए या फिर वो अकाउंट को आप क्या बोलते हैं अलाउ कीजिए। सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम कि एक मतलब सिर्फ लॉक क्लियर करने की या फिर नहीं करने की वजह से आपका पूरा जो कॉर्पोरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो दैट वाज माय आन क्वेश्चन टू यू दैट अगर हम लोग साइम सिस्टम को अटैक कर सकते हैं बिहाइंड अ डीएमसी जोन, देन हाउ शुड वी अप्रोच दैट मेथडोलॉजी? शुड बी वर्किंग ऑन दैट। अगर आपको डीएमसी जोन से अगर अलग जाना है तो आपको पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सिम सॉल्यूशंस कहाँ कैसे और क्यों सेटअप किया गया है, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन गो एंड क्लियर द लॉग्स आउट देयर, एंड उसको पूरा करने के बाद ही आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज बेसिकली कि जहाँ पे हमें लॉग्स मिले हैं कि ओके लॉग्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्रेडेंशियल्स हमें मिले हैं, तो दैट्स व्हाट आई सेड कि उसको इंक्लूड करो एंड एचटीटीपीएस साइट्स को डिस्कवर इंक्लूड एचटीटीपीएस साइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस हो रादर देन योर एचटीटीपी साइट्स। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वेयर वी वाज, कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए यू कैन डू दिस थिंग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आपको चेक करना है यू कैन गो विद हाउ स्ट्रॉन्ग माई पासवर्ड इज, एंड यहाँ पे चेक कर सकते हो एंटर योर पासवर्ड एनी थिंग कि कितना सिक्योर्ड है। आप अपने पासवर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना सिक्योर है, कितनी जल्दी उसको क्रैक किया जा सकता है। ओके, समथिंग कोई टेक्स्ट एंड पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जस्ट इंक्लूड द अल्फा न्यूमरिक वैल्यू जिसमें आपके नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे, स्मॉल और कैपिटल दोनों, एंड ऑल्सो द स्पेशल कैरेक्टर्स आउट देयर। ये सब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करके अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर बात करते हैं डेटा ब्रीचेस की, डेटा ब्रीचेस के लिए आप क्या कर सकते हो, गो टू हैव आई बीन फाउंड, यहाँ पर अगर आपका डेटा कभी ब्रीच हुआ होगा तो आपको पता चल सकता है। जस्ट टाइप योर नेम, ईमेल और ईमेल या फोन नंबर से चेक कर सकते हो कि आपका डेटा कहीं लीक हुआ है कभी या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो ओके, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं इसके बाद। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड विल कंक्लूड हियर। हेलो मैम, यस,
Yeah, ma'am. My question was related to the phishing. So how can we identify the which link is malicious or and which link is the actual link? Yeah, a nice question. Just give me a moment. सी एक्चुअल लिंक्स के लिए क्या होते हैं हमें ना देखो एक्चुअल लिंक्स हमें पता होते हैं अगर हम बात करते हैं एक्चुअल लिंक्स की तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम आई कैन नॉट एक्चुअली ओपन द साइट अगर इंस्टाग्राम के नॉर्मल या किसी भी आप बात करते हैं किसी भी साइट की तो वहां पे आप ओपन कर सकते उसका नेम जो उसका डोमेन नेम होता है उस साइट का आपको उसका डोमेन नेम देखना पड़ता है कि डोमेन नेम कैसे वर्क कर रहा है तो लेट्स से इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम की बात करते हैं Cannot open that one. अगर आप डोमेन नेम देखोगे उसका तो दैट इज योर वो कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा तो जिस भी लिंक में आपको एंड में उसका डोमेन नेम एक्चुअली देखना पड़ेगा कि किस साइट पे आप एक्चुअली विजिट कर रहे हो एंड किस साइट पे एक्चुअली विजिट करना चाहते हो और अगर आपका कोई गलत लिंक होगा गलत लिंक हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चीज होंगी या तो वो उसको कुछ चेंज कर सकते हैं जैसे अगर इसी की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से .com की जगह .in कर दिया बेसिकली उसको डोमेन नेम को आपको मेजरली चेक करना पड़ता है कि वो कुछ है या नहीं है एक चीज आप और यूज कर सकते हो दैट इज वायरस टोटल जस्ट काइंडली म्यूट योरसेल्फ ओके आई विल टॉक अबाउट वायरस टोटल ये आप साइट ओपन कर सकते हो यहाँ पे URL में जाइए एंड जो भी आपका URL मिलता है आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो मलिशियस है या नहीं अगर वो मलिशियस होगा तो आपको एक रेड एरर दिखा देगा अदरवाइज इट विल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल ये साइट से आप चेक कर सकते हो अदरवाइज आप अगर डोमेन नेम पढ़ के भी उसको चेकआउट कर सकते हो तो गुड इनफ आप डोमेन नेम से भी कर सकते हो Yes, ma'am. Like, thank you. I totally got to your point. Okay, cool enough. Anyone else? Hello. Hello, Rishabh. हाँ मैम ये बताइए मतलब जैसे आईडी वगैरह जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप का ये कैसे हैक कर लेते हैं जो हैकर होते हैं मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन में अच्छा ओके Anyone else having any doubts? So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, hello, ma'am. Yes, Shivan. Ma'am, I have a doubt regarding bug one. Yes, Shivan. Ma'am, आप जो पहले presentation करते हैं जो इसी website से उसका bug निकलते हैं। उसके बाद जो हम हमें उसे ठीक करना पड़ता है ना जैसे मतलब Amazon website से हमें bug निकला अब उस bug को हमें ठीक करना पड़ता है। तो मैम वो जो ठीक करते हैं वो जो अगर डेवलपिंग यूज करते हैं या फिर सिक्योरिटी मतलब जो पाइथन अगर होता है तो डेवलपिंग पाइथन या फिर सिक्योरिटी पाइथन यूज करते हैं जीवन ऐसा नहीं होता द थिंग इज हम जब बग्स फाइंड आउट करते हैं हमें अगर बग पता चल जाता है हम उसका बस कंपनी को एक सॉल्यूशन देते हैं कि आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं
मोस्ट ऑफ द केसेस हम सॉल्यूशंस देते हैं कि ओके हम बस एक तरीका बता देते हैं कि ये गलती और आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, उसको ठीक हम नहीं करते, उसको ठीक कंपनी ही करती है, कंपनी के जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको ठीक करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम बस उस बग को रिपोर्ट करना होता है। वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर उसको सी एथिकल हैकर का काम अगर मैं बात करूं तो वो बस उसको रिपोर्ट करना होता है, बट हाँ बिल्कुल उसको वो ठीक कर सकता है। उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, उसे पता है कि कैसे, उसको अगर पता है कि क्या बग है तो उसको उसको ठीक करने का तरीका भी पता होता है, तभी वो बता सकता है कि ये चीज़ गलत है। अगर उसको पता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसको ठीक भी करता है। वो ठीक कैसे करता है वो गलती के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गलती है। अगर पीएचपी की गलती है तो वो उसको पीएचपी से ठीक करेगा, अगर वो किसी जावास्क्रिप्ट की जावा की गलती है तो उसको जावास्क्रिप्ट और जावा से ठीक करेगा। जैसी गलती होगी उसको ठीक भी उसी तरीके से किया जाएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम, जैसे कि आरएसए में हम लोग लैटिस बेस्ड रिडक्शन अटैक्स करते हैं, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जैसे हम लोग देखते हैं कि पुराने सिस्टम्स में लैटिस बेस्ड रिडक्शन अटैक्स होते हैं, पर ज़्यादातर हैकर्स या फिर अटैकर्स को इस पर्सपेक्टिव से मतलब सोचने का मतलब होता ही नहीं है कि ये अटैक भी कर सकते हैं। तो हाउ डू वी गो अबाउट दैट, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट अटैक टू यू नो अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। द थिंग इज, देखो अगर वल्नरेबल है मशीन जैसे भी कोई भी वल्नरेबिलिटी है, सबसे पहले अगर बात आती है कि जब हम वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं तो उसमें से एक मेजर वल्नरेबिलिटी ये भी होती है कि हम वो सर्विसेज वो डिवाइसेस यूज करते हैं जो पहले से ही वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो वहीं पे पॉइंट खत्म हो जाता है कि या फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपडेटेड रहो, जो भी न्यू सर्विसेज आ चुके हैं, जो भी अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं। अपने सेफ्टी मेजर्स में भी यही चीज़ कही थी कि अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हम ऐसी सर्विस यूज़ कर रहे हैं जो वल्नरेबल है तो अटैकर तो उसका बेनिफिट लेगा ही लेगा, हम उसको नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ़ द सिस्टम इज़ वल्नरेबल टू दैट सर्विस, या तो उस पर्टिकुलर सर्विस पर, लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी सर्विस है, इफ़ यू हैव एसएमबी वन की मेरे पास वल्नरेबिलिटी थी बफर ओवरफ्लो की, तो अगर कोई वर्जन यूज़ कर रहा है वो उसमें, तो मैं उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकती। या तो उसको अपग्रेड किया जाए या वो वर्जन यूज़ वो चीज़ ही क्यों यूज़ करनी जो वल्नरेबल है। तो जैसे कि मैम 2018 तक यूएस के जो मतलब पेंटागन है वहां तक विंडोज एक्सपी यूज होता था, एंड वी ऑल नो दैट विंडोज एक्सपी इज वेरी वल्नरेबल टू यू नो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अटैक्स। तो वो प्रैक्टिकलिटी में बात यहां पे आ जाती है कि यू कैन नॉट फिक्स दोस एंड अपडेट दोस मशीन्स, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स लिखे होंगे उनके खुद के सॉफ्टवेयर्स है ना, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि वो सॉफ्टवेयर्स को रीराइट कराना दैट इज अ वेरी बिग टास्क, और वो बंदे भी मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है जो वो सॉफ्टवेयर लिख चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी हाउ द कॉपर्सफील्ड लैटिस बेस्ड अटैक वर्क्स ऑन आरएसए? फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट एक्सपी वाला, एक्सपी में देखो वो रीराइट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली उसके अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। आज के डेट में विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, वो उसी का अल्टरनेटिव और उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। एंड बात रही वल्नरेबिलिटी की, तो वल्नरेबिलिटी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। जनरल
That's how your network scanning works for you. ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से पोर्ट्स एंड सर्विसेज ओपन हैं, यहाँ से हम देख के उसमें पता लगा सकते हैं कि क्या और सर्विसेज, उसके बाद हम ऑलरेडी स्कैनिंग कर सकते हैं. उसके लिए वी हैव डिफरेंट टूल, योर नेसेस वी हैव इक्विनेटिक्स वी हैव फॉर दैट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड पोर्ट स्कैनिंग के लिए वी हैव एन मैप, जेन मैप, ये सारे टूल्स हम उन पर वर्क करते हैं. उनको समझते हैं पहले कि कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे पता चला है कि कौन कौन सी सर्विसेज ओपन है एंड क्या क्या उसमें एक्चुअली चीज़ें वर्कआउट कर रहे हैं. इट्स अनदर वे, इसमें मेरे को पोर्ट्स पता चले कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सी सर्विस वहां पे रन कर रही है. ओके, द स्क्रीन वाज नॉट शेयर, जस्ट अ सेकंड, लेट्स सपोज दिस इज माय आईपी, विंडोज की आईपी है ये, विंडोज के लिए स्कैनिंग करेंगे. Simply go out here, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कौन कौन से ports और services activated हैं, कौन सी services, कौन सी ports open हैं, कौन सी services वहाँ पर run कर रही हैं. That's how your scanning part works. Similarly, अगर network vulnerability scanning करनी है तो you can go with other tools, that is your Nessus you can use Equinix, many others. In map you have for the network part, ये सारी चीज़ें वहाँ पर use कर सकते हैं. It's not a class, it's actually a webinar. It's just for today. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone. So let's just end the session over here. Thank you so much for being a wonderful audience. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.